दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपके फोन पे एप्लीकेशंस पर ओटीपी नहीं आ रही है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके भी फोन पे एप्लीकेशंस पर ओटीपी नहीं आ रहे और आप भी इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जो देखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। दोस्तों जैसे ही अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेंगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप का, आपको ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप मैनेजमेंट का, आपको ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके फोन में जो ऐप रहेगी वो ऐप आपके सामने आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ से आपको क्या करना है, मैसेज एप्लीकेशंस के ऊपर पे क्लिक करना है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि फोन पे एप्लीकेशंस पर ओटीपी नहीं आ रहे तो हमें मैसेज एप्लीकेशंस ओपन क्यों करनी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जब भी आप फोन पे एप्लीकेशंस में अपने नंबर डालकर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ से आपकी ओटीपी सेंड हो रही है। यहाँ पर आपके मैसेज एप्लीकेशंस पर ओटीपी नहीं आ रही है, जहाँ हमारे मैसेज ओटीपी वगैरह आते हैं वहाँ मैसेज एप्लीकेशंस पर ओटीपी मैसेज वगैरह आते हैं तो वहाँ पर ओटीपी मैसेज नहीं आ रहे। तो आप प्रॉब्लम मैसेज एप्लीकेशंस पर या फिर फोन पे एप्लीकेशंस पर नहीं है, वहाँ से ओटीपी सेंड हो रही है। तो यहाँ पर आपको मैसेज एप्लीकेशंस ओपन करनी है, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको फोन पे एप्लीकेशंस ओपन नहीं करनी है। दोस्तों यहाँ पर मैं मैसेज एप्लीकेशंस ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप मैसेज एप्लीकेशंस ओपन कर लेंगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टोरेज का, स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक फर्स्ट में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कलर स्टोर का, कलर स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि मैसेज एप्लीकेशंस का जो डाटा रहेगा, जो यहाँ पे वायरस रहेंगे वो यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपके मैसेज फोन पे एप्लीकेशंस के ओटीपी मैसेज एप्लीकेशंस पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके भी फोन पे एप्लीकेशंस पर ओटीपी नहीं आ रहे तो आप भी इस प्रॉब्लम को इस प्रकार यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और दोस्तों आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दो ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।